हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना खाता कैसे खोलें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, ये आज हम आपको बताएँगे। और इस जनधन योजना से क्या लाभ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज बताएँगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, इसे टच कर दें। जैसे ही आप इसे टच करेंगे, इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आएगा दोस्तों, उसे भी टच कर दें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो देख सकें सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक के बटन को दबा के नीला कर दें और यहाँ से अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने जनधन खाते योजना को खुलाने के लिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना खाता कैसे खुलाएं, ये आज हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री जनधन खाता कैसे खोलें, उनके नियम और लाभ। देश के गरीब नागरिकों के वित्तीय समावेशन केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मिशन है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिकों का बैंकों में जीरो बैलेंस सेविंग और डिपॉजिट जनधन योजना खोले जा सकते हैं। ये खाता उन्हें विभिन्न योजनाओं जैसे रेमिटेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस और पेंशन के लाभों को सीधे उनके खाते में प्रदान करेगा। उम्मीदवार योजना के नियमों को, तो दोस्तों ये वेबसाइट देख रखी है, इसमें आप इसे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। लोग आसानी से किसी भी बैंक खाता में बिजनेस डिपार्टमेंट बैंक मिनिस्टर से जनधन खाते खोल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक वैध दस्तावेज नहीं है तो जनधन खाता योजना के नियमों के अधीन छोटा खाता खोल सकता है। इसके अलावा लोग किसी भी बैंक के माध्यम से जनधन ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। लोग आवेदन पत्र में PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं और जनधन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लाभ क्या क्या हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्या क्या आपको दस्तावेज की ज़रूरत होगी, ये भी आज हम आपको बताएंगे। जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फॉर्मेट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड और लेटर फॉर्म ID, आधार नंबर एंड एड्रेस, मनरेगा जॉब कार्ड विद सिग्नेचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, वोटर ID, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित कोई भी मान्य दस्तावेज होना चाहिए। दोस्तों, किसी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा या किसी विभिन्न विभाग वैभविक या नियमित प्राधिकरण सार्वजनिक उपकरणों द्वारा वित्तीय संस्थान द्वारा पहचान पत्र में राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी किए दस्तावेज के रूप में मान्य है। जनधन योजना खाता जीरो बैलेंस से खोला जा सकता है, लेकिन चेक बुक जैसी सुविधा प्राप्त करने के लिए लोगों को मिनिमम बैलेंस राशि बनाए रखना होगा। रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार जिन लोगों के पास अत्यधिक वैध दस्तावेज नहीं हैं, वे सभी लोग बैंकों के साथ स्मॉल अकाउंट खोल सकते हैं। अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर अंगूठे के प्रभाव से सेल्फ अकाउंट प्रदान करने की आवश्यकता होती है। लोगों को स्मॉल अकाउंट के लिए जनधन योजना के नियमों का पालन करना होगा। निम्न अनुसार, 1 साल में लोग अपने खाते में 1 लाख रुपए से अधिक राशि जमा नहीं कर सकते हैं। अधिकतम राशि 10,000 प्रति माह है, जो ये आप देख रहे हैं, प्रति माह जो जनधन खाते में निकाली जा सकती है।
सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम से जो जनधन खाते में अधिकतम राशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। ऐसे खाते 1 वर्ष या 12 महीने की वैध रहेंगे। ये खाता 1 और वर्ष के लिए जारी रहेगा यदि खाता धारक उस दस्तावेज को प्रमाणित करता है तो जो उसे खोलने के समय प्रस्तुत किए था, और प्रमाणित करें कि पिछले 1 वर्ष के भीतर आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों के लिए आवेदन कर चुका है। दोस्तों, ये जनधन खाता जमा राशि पर ब्याज लोगों को 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। इस खाते के अधिक आरंभ जमा और 0 बैलेंस रुपए से सभी खाता धारकों को जीवन बीमा कवर के अंतर्गत मृत्यु पर 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस खाते में देश भर के से पैसे के आवास हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध है। इस खाते में लाभ हस्ताक्षर DBT के माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिन उम्मीदवारों ने 6 महीने तक अपने खाते का सफलतापूर्वक संचालन नहीं किया, उन्हें 5,000 रुपये के कवर सेल्फ की सुविधा प्रदान की जाएगी। लोगों को की पेंशन और अन्य बीमा उत्पाद भी प्राप्ति इसी खाते से होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।